हर व्यक्ति संयोग का पक्षधर होता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े खिलाड़ी, बहुत अच्छे नटवर नागर। उन्होंने सोचा कि एक चीज़ किसी को नहीं पसंद है और हमें देना देना है उसी चीज़ को, वो कौन है जी? हानि। सेठों के बड़े व्यक्तियों के दरवाजे पर क्या लिखे होते हैं दो शब्द? शुभ लाभ। शुभ का विपरीत क्या हुआ? विलोम। अशुभ लाभ का विपरीत हानि। देखा है कहीं लिखा होता है? बाबाओं के यहाँ भी, बाबाओं को भी शुभ लाभ चाहिए या अशुभ और हानि चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि जो चीज़ किसी को नहीं प्यारी है वही मुझे देनी है, बाबा हो या बाबू, यहाँ सब एक मत हैं क्या? बाबा हो या बाबू, क्या अशुभ किसी को पसंद नहीं और हानि किसी को पसंद नहीं? भगवान ने कहा जो नहीं पसंद है उसी को पसंद करना पड़ेगा। हानि लोगे कोई हानि? बाबाओं ने मुख मोड़ दिया, ये क्या आवाज़ आ रही है, हानि नहीं चाहिए भाई। शरीर की हानि, चेले की हानि, चेली की हानि, संपत्ति की हानि, मान की हानि, हानि नहीं चाहिए। बाबाओं ने भी मना कर दिया, गृहस्थों ने भी कहा हमें नहीं चाहिए हानि, बेटे की हानि, शरीर की हानि, क्या हानि? भगवान ने कहा हानि ही देने हैं, तुम हानि मेरे पास है, लेना चाहो ले लो। तब ने कहा ना। उन्होंने कहा लेने के लिए मचल जाओगे, प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रहस्योपजायते। चुलबुली भाषा में गीता की व्याख्या यूँ भी की जा सकती, क्या? चुलबुली भाषा में बहुत बढ़िया रोचक ढंग से भी गीता की व्याख्या की जा सकती है, हम करते नहीं, वो बात दूसरी। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रहस्योपजायते, सर्व दुखों की हानि लोगे कोई हानि? कौन नहीं लेगा? जो हानि किसी को पसंद नहीं है, भगवान ने उस हानि के पहल का की मीमांसा ऐसे की, बाबाओं ने कहा हमको दीजिए पहले, गृहस्थों ने कहा नहीं नहीं वो बाबाओं को क्या दीजिएगा, हमको दीजिए। भगवान ने क्या कहा? प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रहस्योपजायते। जब अंतःकरण निर्मल होता है, निश्चल होता है, शुद्ध और समाहित होता है, विवेक विज्ञान से संपन्न होता है, तो सर्व दुखानाम हानि ही, समग्र दुखों की हानि हो जाती है। सबने कहा भला ये तो जरूर चाहिए, ये तो जरूर चाहिए, इसका मतलब क्या? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रहस्योपजायते। फिर भगवान तो बहुत चतुर हैं बोलने में, वियोग लोगे वियोग। अब बाबाओं के भी दरवाजे बंद हो गए, गृहस्थों के भी दरवाजे बंद, क्या ये भगवान कहने आ गए? वियोग वियोग वियोग। किसका वियोग जी? शरीर का, चेले का, चली का, धन का, भवन का, बेटे का, बेटी का, किसका वियोग? वियोग, मैं तो वियोग देता हूँ वियोग। सब ने मना कर दिया। गीता का छठा अध्याय लीजिए, वो था दूसरा, ये छठा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। कितनी बढ़िया साहित्यिक परिभाषा योग की के, वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है। लो जी, अब कौन नहीं चाहेगा ऐसा वियोग? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसे जरूर समझना चाहिए, अवश्य ही समझना चाहिए। यहाँ पर भी विचित्र शब्दावली है, दुख का वियोग नहीं कहा भगवान ने, दुख के संयोग का वियोग का साक्षी भाष्य दुख, अंदर का भाव यह तम विद्या, नहीं तो दुख का वियोग। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रहस्योपजायते, वहाँ तो दुख का वियोग कहा, दुख की हानि माने दुख का वियोग, यहाँ क्या जोर दिया एक शब्द? गीता के दूसरे अध्याय में प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रहस्योपजायते, दुखों की हानि, सर्व दुखों की हानि, यहाँ संयोग नहीं लिख कहा, यहाँ पर तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सय, तम विद्या दुख योग संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्य। समग्र दुखों के संयोग का वियोग, दुख के संयोग का वियोग, दुख के संयोग का वियोग या दुख का वियोग, बात तो एक ही है, लेकिन इसमें लालित्य अधिक है,
दुख के संयोग का वियोग। इसका अर्थ क्या हुआ? सुषुप्ति अवस्था त्याग का बल उत्पन्न करती है, यानी सुषुप्ति अवस्था के रहस्य को जो जान जाएगा उसके जीवन में त्याग का लोकोत्तर बल उत्पन्न होगा या नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक रहस्य बताया, बहुत सा रहस्य बताया, बहुत रहस्य। उनका नाम लेकर ही हमें रोना आ जाता है कि वे महापुरुष आज तक होते तो कितना उनसे मिलता, लार प्यार तो मिलता ही था, स्नेह मिलता ही था, ज्ञान विज्ञान जो भी वो वेद भाष्य में दिव्य सामग्री आती थी, भाष्य लिखते लिखते एकांत में कहते थे देखो यह दृष्टिकोण मिला है, यह दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण है, तुम इसको अच्छी तरह धारण कर लो एकांत में। लेकिन बिल्कुल जीवन में जो कुछ सब कुछ था उनके पास, दिव्य अनुभूति थी, संस्था को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, शंकराचार्यों को लेकर, धर्म को लेकर, दार्शनिक सिद्धांत को लेकर एकांत में बताते थे। ऐसा श्रोता भी मिलना कठिन है निकेह जी, केवल रघुआ जी को मालूम है। मेरठ वालों ने जो महाराज का जीवन चरित्र लिखा है जानबूझ के इस घटना को छिपाया है, क्योंकि हमसे तो द्वेष रखने वाले बहुत होते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। रघुआ जी को केवल मालूम, चिन्मयानंद जी महाराज का शरीर नहीं रहा न रघुआ जी का, हमको तीन ही को मालूम। 14-14 घंटे एक एक दिन में पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कथा सुनी। एक साथ 14 घंटे कैसे, 24 घंटे होते हैं ना, एक ही दिन मैंने धीरे 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 10-5 अंत में 14-14 घंटे एक दिन में मुझसे कथा। वो वृंदावन वाले दंडी स्वामी को बुलाओ, हाँ कथावार्ता हो जाए, कथावार्ता हो जाए 14-14 घंटे। ऐसा श्रोता मिलना, उनको क्या नहीं मालूम था, उनके ज्ञान विज्ञान का एक अंश उन्हीं कृपा सबको प्राप्त। अच्छा कभी कभी रोते हुए सुनते थे और सुनाओ और सुनाओ। आजकल तो ज्ञान से इतना उन्मत्त व्यक्ति हैं, क्या भूल करते हैं बोलने में या देखने का प्रयास करते हैं। महाराज सर्वशास्त्रों के निष्णात, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। अब जब हमारे गुरु भाइयों को हुआ कि कहीं उत्तराधिकारी न बना दें, बड़ी विचित्र बात, कौन कहाँ पर डंक मार देगा कुछ कह सकते हैं। एक बहुत बड़े रामायणी को ले आए, नाम नहीं लूँगा, वो MBBS भी थे, रामायणी MBBS भी थे, कथावाचक भी थे, विजयानंद त्रिपाठी जी से उन्होंने रामायण भी पढ़ा था। महाराज छत पे केदार घाट पे मुझसे कथा सुन रहे थे। वेदांती जी ने कहा महाराज इनकी कथा सुनते रहते और किसी की बात आपको पसंद ही नहीं है, ये आपके शिष्य आए हैं, इनको जानते हैं आप, इनसे कुछ रामायण की कथा सुनिए, चुप रहो थोड़ी देर शांत रहो फिर हाँ सुनाओ सुनाओ। हमने 10 मिनट और सुनाया, महाराज आप भूल गए क्या, अच्छा सुनाओ। और रामायणी जी 5 मिनट सुनाए, बंद करो, मेरी बात नहीं, पूज्य गुरुदेव की टिप्पणी है, जिन 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 मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भौरे ने कमल के रस को चख लिया वो करीर पर नहीं मर रहा था। कोई रामायण या सबको मेरे पास मत लाना, हमको इससे सुनना अब बेचारे वो गुरु भाई लोग हमारे प्रति इतने विद्वेष रखने लग गए, इतने कि हमको फिर पूज्य गुरुदेव के शरीर छूटने के 3 महीने पहले काशी से चुपके से भगना ही पड़ा। महाराज को कहते तो भगने नहीं देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धीर वीर विद्वान होते हैं, विनम्र होते हैं, उनके जीवन में पाचन शक्ति भी अद्भुत होती है। तो हमने बताया कि सुषुप्ति का अध्ययन करने पर जीवन में त्याग का अद्भुत बल प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि देखो लक्षण सामने से वस्तु सामने की बात है। इस बार कथा का वेग कैसा है, एक दिन में एक श्लोक भी नहीं हो पाता। जब जो भगवान धारा दे दें, भगवान की दी हुई धारा सरस्वती की दी हुई धारा में छेड़छाड़ नहीं करता, उससे बहुत बड़ा
क्या विघ्न पड़ जाता, सरस्वती की धारा को रोकने से बहुत बड़ी क्षति हो जाती। इस बार ऐसा ही है, एक श्लोक को देखा नहीं कितना भाव आता है, फिर एक श्लोक कभी दो श्लोक पाठ में भी कभी चार पंक्ति कभी आठ पंक्ति कभी दो ही पंक्ति चल पाती। इस बार की धारा ऐसा ही है, भगवान जो धारा चला दें, धारा को रोकने से सरस्वती कुपित हो जाती। इसलिए हमारे तो सब कुछ सरस्वती भगवती है, उन्हीं कृपा से सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा देखो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य होता है, आत्मा का और सुख का लक्षण एक है या नहीं, एक ही तो लक्षण है। तो भागवत में कहा गया है सुखमस्य आत्मनो रूपम, और बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कथन है न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती है, तथा आत्मा पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। सुख में प्रीति सुख के लिए होती है, अन्यों में प्रीति सुख के लिए होती है, सुख में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं सुख के लिए ही होती है। तो लक्षण साम्य हुआ या नहीं, जो सुख का लक्षण है वही आत्मा का लक्षण है, जो आत्मा का लक्षण है वही सुख का लक्षण है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा वो सुख कौन है जिसमें आत्मा होने की क्षमता है, अगर वह प्रिय कोटि का है, मोद कोटि का है, प्रमोद कोटि का है, जिसका मैंने अभी वर्णन किया, तब तो इनको भुलाकर गाढ़ी नींद की आवश्यकता ही क्यों, आत्मा तो स्वप्रकाश है और इन सुखों को तो भुलाने की आवश्यकता है। अगर गाढ़ी नींद में जो सुख मिलता है आनंदमय कोष की बीजावस्था जिसको कहते हैं, जिस समय जीव आनंद भुक होता है, आनंद का ही साक्षात भोक्ता होता है, जागर दशा में जीव को क्या कहते हैं स्थूल भुक, स्थूल विषयों के माध्यम से उसको, अगर स्थूल विषय अनुकूल हों तो स्थूल विषयों के माध्यम से जागर दशा में जीव को सुख मिलता है, उसका भोक्ता होता है। स्वप्नावस्था में मांडूक्य उपनिषद प्रविव्यक्त भुक वासनात्मक अभीष्ट विषयों के परिरंभन सेवन आस्वादन से व्यक्ति को सुख मिलता है, सुसुप्ति में विषयालंबन के बिना सुख ही विषय होता है, बहुत ऊंची बात, सुसुप्ति में सुख ही विषय होता है, इसीलिए आनंद भुक जीव आनंद का भोक्ता होता है। इसके लिए हम उदाहरण देते हैं, एक दो गन्ना का दंड दे दिया जाए, इक्षु दंड मैथिली में कुसियार बोलते हैं गन्ने को, इक्षु संस्कृत में गन्ना, हिंदी में मैथिली भाषा में कुसियार, यहाँ तो मैथिली जानने वाले नहीं होंगे, हम भी नहीं जानते, माने भूल ही गए 58 साल में, पहले हमारी मैथिली सुनने के लिए महामहोपाध्याय ये सब आ जाते थे जब बच्चे थे हम, मैथिली के विशेषज्ञ, अब है कि मुश्किल से समझ लेते हैं, दो चार वाक्य बोल लेते हैं, धारा प्रवाह तो क्या चार वाक्य भी एक साथ नहीं बोल सकते, 58 वर्षों में मातृभाषा भी गई हाँ मातृभाषा में बोल ही नहीं सकता, सुन सकता हूँ, वो भी ये जो इंदिरा जी के पिताजी आए संपर्क में तब से समझने की क्षमता आई, नहीं तो समझने में भी कठिनाई होती थी। तो हमने क्या कहा, इक्षु दंड दे दिया जाए, दांत कमजोर है तो टूटने की संभावना है, ओठ छिड़ने की संभावना होती ही है, परिश्रम की संभावना होती है, लेकिन इक्षु दंड को पेल कर कोई एक गिलास क्या कर दे, गन्ने का रस दे दे, रस दे दे, घट करके पी जाएंगे यही अनायास। तो जागर में स्वप्न में क्या होता है, गन्ने को चबाकर आनंद रस लेना, सुसुप्ति में सीधे घट गन्ने का रस ही पी जाना, जीव आनंद भुख होता है। फिर पूज्य गुरुदेव ने बताया अगर सौसुप्त सुख ही पर प्रेमास्पद हो तो
उसको भी व्यक्ति सदा बनाए रखना चाहे, लेकिन जीव इतना विवेक युक्त है, प्राप्त विवेक का समादर नहीं करता, उपयोग नहीं करता। एक प्रज्ञा चक्षु थे स्वामी शरणानंद जी महाराज, कहाँ वृंदावन में मानव सेवा संघ के संस्थापक, उनका एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, प्राप्त विवेक का समादर करो। अगर व्यक्ति माँ के गर्भ से जितना विवेक लेकर आया है, माँ के गर्भ से जितना विवेक लेकर आए हैं हम आप मनुष्य, केवल उतने विवेक का समादर करें, अनादर न करें, तो भी सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत हुए बिना न रहें। और आप प्राप्त विवेक का अर्जन करो, इतना और जोड़ लीजिए, फिर तो क्या कहना, जीवन मुक्त ही हो जाए। दो जीवन में गुण हो, प्राप्त विवेक का समादर, अप्राप्त विवेक का अर्जन समर्जन, प्राप्त विवेक का समादर और अप्राप्त विवेक का समर्जन, तो सिद्ध हो जाए, बहुत ऊंची बात है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं प्राप्त विवेक के समादर। उनका प्रज्ञा चक्षु थे, 40 प्रवचन उन्होंने तैयार किया था, कुल 40। वो अपने स्तर से अपने वाक्य की व्याख्या करते थे, लेकिन जिसको सामान्य रूप से शब्द के अर्थ का ज्ञान है, उससे पूछा जाए दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन हो, क्या उत्तर देगा? दृष्टा त्रिपुटी का जो शिरोभाग जिसके आगे ता या टा लगा है, वही मैं हूँ। दर्शन और दृश्य के प्रति निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि नहीं होती, इतना विवेक तो लेकर हम आप माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन हैं पूछा जाए तो प्रमाता कहेंगे या नहीं? और ग्राता आदि को लेकर भी इसका मतलब क्या हुआ? त्रिपुटी के शिरोभाग में ही आत्मबुद्धि होती है, तो व्यवहार में इस विवेक का उपयोग कीजिए। क्या कि आप प्रमेय और प्रमाण से ऊपर प्रमाता हैं, दृश्य और दर्शन से ऊपर दृष्टा हैं, ज्ञेय और ज्ञान से ऊपर ज्ञाता हैं, कहाँ समादर करते? जैसे यह है, इसके ऊपर एक आसन है, ऊपर शरीर बैठा है, इसी प्रकार प्रमेय के ऊपर किसका आसन है? प्रमाण का। प्रमाण के ऊपर किसका आसन है? प्रमाता का। प्रमाता भी तो अब प्रमेय है, गीता के दूसरे अध्याय शंकर भाष्य। तो प्राप्त विवेक का समादर करें। हम आप इतने बुद्धिमान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं। अंतर्निहित संकल्प होता है सोने के पहले कि समय पर जग जाऊं, सदा के लिए सो जाऊं, ऐसी भावना नहीं होती। इसका मतलब जागर स्वप्न के सुख को जिस सुषुप्ति के सुख के नाम पर भूल जाते हैं, त्याग देते हैं, और सुषुप्ति का सुख भी त्रिपुटी गर्भित है, बीज त्रिपुटी की बीजावस्था सुषुप्ति में है, वहाँ आनंद भुक होकर, आनंद होकर नहीं, आनंद भुक, आनंद का भोक्ता होकर हम रहते हैं। एक बहुत विचित्र बात, आनंद का जब हम भोक्ता होंगे, तब जो भोग्य कोटि प्रविष्ट आनंद होगा वह स्वल्प होगा, निरक्षय होगा। क्या स्वल्प होगा? आनंद के जब हम भोक्ता होंगे, तो जिस आनंद के भोक्ता होंगे वह स्वल्प होगा या निरक्षय होता है? निरक्षय आनंद का भोग ही नहीं बन सकता। अब भोग्य वही आनंद होगा जो स्वप्रकाश न हो। इसीलिए सुसुप्तिगत सौसुप्त आनंद से भी व्यक्ति विरक्त रहता है, ऐसा ना हो कि सदा के लिए सुसुप्त ही रह जाऊं। अंत में सुसुप्ति भी टूट जाती है, न यहाँ चैन न वहाँ चैन, यहाँ को भुलाकर वहाँ गए, लेकिन वो अवस्था भी सदा के लिए प्रिय नहीं। अब वह बात है, कौन सा आनंद स्वरूप हो सकता है? स्वप्रकाश आनंद वो भोग्य ही नहीं होगा। हम स्वयं आनंद होंगे। निरतिशय प्रेम का विषय कौन आनंद है? स्वप्रकाश आनंद, भोग्य कोटि का आनंद नहीं। एक बार हमने
आनंद वृंदावन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाभाग के आश्रम में कहा, हमारे बाद बोलना था पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज को, बहुत प्रेम से ध्यानपूर्वक प्रवचन सुनते थे वो हमारा, हम उनका सुनते, वो सब दिन चले गए। क्या वृंदावन में काशी में जितने उच्च कोटि के श्रोता हमको मिले अब मिलना ही कठिन, जो विश्वविख्यात वक्ता थे उनके हम श्रोता थे, वे हमारे श्रोता थे। वामदेव जी महाराज विद्वान क्या कहना, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग, और कौन, श्यामा शरण जी बहुत ऊँचे वैयाकरण वेदांती, ये सब उधर सुखबोध आश्रम जी महाराज बहुत ऊँचे वैदिक दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ व्याकरण के विद्वान, ये सब, और कुछ गुरुदेव की बात तो हमने कह ही दी, ये सब अब कहाँ मिलेंगे ऐसे श्रोता, कहाँ मिलेंगे उन जैसे वक्ता। देख तो दो परंपरा खत्म, पूज्य गुरुदेव और स्वामी अखंडानंद जी महाराज का शरीर क्या छूटा, भागवत की कथा के प्राण ही समाप्त हो गए, वैसी कथा कहाँ कहते अब। हाँ हमारे एक शिष्य हैं, कहीं दक्षिणा भी नहीं लेते, और विभागाध्यक्ष हैं BHU में दर्शन विभाग प्राच्य दर्शन के, डॉक्टर श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, बहुत दायित्व है विश्वविद्यालय का, साल में 4-5 बार कहीं दक्षिणा भी नहीं लेते कि हमको तो सरकार से वेतन मिलता ही है। वो कभी भी बहुत ऊंचे हैं संस्कृत हिंदी के ब्रजभाषा के, बहुत अच्छे BSc भी हैं, व्याकरण साहित्य के आचार्य भी हैं, PhD भी हैं, विनम्र भी हैं, साधक भी हैं। उनकी कथा वल्लभ संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय के मनोहर जी आदि भी बहुत प्रेम से सुनते, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो छिपाते नहीं, वो कहते हैं मैं पुरी के शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ, काशी में कथा सुनने आते भी हैं। हमने एक संकेत किया, प्रायः भागवत की कथा भी गई, तो हमने क्या संकेत किया, पूज्य गुरुदेव ने कहा हाँ कि अंत में कौन है, आत्मा ही, जो भोग्य कोटि का सुख नहीं है वही परम प्रेमास्पद है। तो श्री वामदेव जी महाराज की उपस्थिति में मैंने कहा, अबाध्य होता हुआ जो अपरोक्ष है वो सत है, अवेद्य होता हुआ जो अपरोक्ष है वो चित है, यह तो प्रसिद्ध है, वो नीचे वाला प्रसिद्ध नहीं है। अभोग्य होता हुआ जो अपरोक्ष वो आनंद है, सर्वाधिष्ठान होता हुआ जो अपरोक्ष वो अद्वितीय है। वो जो वामदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, कहाँ से ले आए, बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे ही बहुत उच्च कोटि का सत्संग वहाँ होता था, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अब नहीं रहे श्यामा शरण जी, पंजाब के थे, सिख परिवार के, जाट परिवार का शरीर था, वेदांती थे, बाद में निम्बार्क संप्रदाय के हो गए, बाद में वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी पर लट्ट होकर वल्लभाचार्य जी की गाथा गाते थे, हमारे बहुत परिचित थे, इंदौर आदि में जाते थे, प्रवचन विद्वानों जैसा होता था, लोग पसंद नहीं करते क्या कोई कोई विद्वान होते हैं जिनकी कथा को भी लोग पसंद करें, नहीं तो विद्वान अपने दाव पेच की भाषा में बोलते हैं, तो वो पढ़ाने की भाषा में जो बोलेगा उसको प्राय लोग सुनना पसंद नहीं करते, वो बात अलग है, विद्वान बहुत उच्च कोटि के थे। आध घंटा बोलने के लिए एकांत में कहा कि महाराज मैं 8 घंटा अध्ययन करके आता हूँ, इतने बड़े विद्वान को 8 घंटा प्रवचन करने के लिए 8 घंटा तैयारी करनी पड़ती थी, कितना उच्च कोटि का सत्संग का क्रम था वृंदावन में। जब हम वहाँ से आए तो बस वही वृंदावन है, वही स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आश्रम है, वही उरियावा जी महाराज का आश्रम है, सब गया, व्यक्ति की माया उसकी छाया, इसीलिए जहाँ जाना चाहिए वहाँ आनंद बरसाना चाहिए, वहाँ का स्तर उठा देना चाहिए। क्या अब शंकराचार्य हो के स्तर गिरा देंगे मटका, तो क्या पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो स्वप्रकाश जो सुख है, अभोग्य होता हुआ परोक्ष वही परम प्रेमास्पद है,
भोग्य कोटि का वही सुख होता है तो निरतिशय नहीं होता। भोग्य होते ही अल्पता आ जाती है। यो वही भूमाता सुखम नाल्पे सुखमस्ती।